ये देखो गाइस, पता नहीं हमारा एरिया क्यों सील किया हुआ, इधर तो कुछ निकला भी नहीं, ना लेना ना देना, तो बाइक वगैरह निकल सकती है बस आराम से, ये पता नहीं क्या चक्कर है। तो गाइस, जैसे कि पल्ला साहब हमारे गए हुए हैं अपने घर, तो एनीवेज वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू डूइंग वेल। तो गाइस, ये जरूर बात है, जब भी अपने सोरे घर जाओ ना, वो ना इज्जत बड़ी देते हैं, वैसे चाहे हमको बाहर कोई पूछता ना हो, लेकिन उधर ऐसे इज्जत मिलती है जैसे पता नहीं कौन से VIP होते हैं। ऐसा किस किस के साथ होता है, कमेंट डाउन बिलो जरूर बताना मुझे। हमारे बड़े पल्ला साहब तो मुझे बहुत ज्यादा ही पूछते हैं, मैं जब भी जाऊँ बार बार पूछेंगे क्या खाएगा क्या पिएगा, दो दो मिनट बाद खा भी लूंगा, पेट भी भरा होगा, खिला भी देंगे, फिर पूछी जाएंगे। पिछली बार रश कम था, आज रश ज्यादा है, और बैंकों में इतना बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, क्या बताऊँ यार, क्या चक्कर है। अभी धीरे धीरे करके सारा कुछ खुल ही गया हमारे अमृतसर में, लगभग मैं देख रहा हूँ हाईवे में भी शॉप्स खुली हैं। आज आप खावांगे कुलचे, तुम कहना सासू माँ बहुत सेवा कर दी है, आज कुलचे ला ला के देने, कुलचे मेरे हलवाई बने ने, भी बनेंगे। रब इदा दी सासू माँ सारे नु दे, इहदी सासू माँ साडे देखो कि टाइम ते कुलचा बनाया, चटनी इहदे पास होए कि नहीं, ये 1 2 3 हो गए पास, हो गए भला साहब, हो गए पास भैया। अंडे कुलचे बहुत अंडे बनाए, मजा आ गया खा के, मेरा इस टाइम तीजा कुलचा खा लगा, मिलता चार के मैं खा जाऊंगा भैया। साढ़े सारे कितना कितो है, मेरा की लगता है तीन दिन रह दिलता, वो तेरी गलती, तू ना रहना, मैं तेन कह रहा मेरे यार 5 दिन छोटे भला साहब भी पूरी मेहनत कर रहे ने, हम आप पहले समान ले लिये, उन्नी देर तक भला साहब साडे ने चांप रेडी कर ली है, कच्ची चांप होंगी जेडी, आप चांप भी अज घर बनानी है, और कच्ची चांप की रेसिपी भला साहब ने रेडी कर लिया, रेसिपी तुम खाने इधर तक, वो वेखो अपने इधर तक अंदरों समान ले लिए, मैं तुम घर जाके मिलते हैं। हाँ जी गाइस, चुप हो तो। हाँ जी, हाय गाइस, कैसे हो आप सब, चुप एक मिनट, ओ भाई मारो मुझे मारो। हाय गाइस, कैसे हो आप सब, तो आपको पता ही होगा मैं अपनी माइक के आई हूँ, कल मुझे प्रिंस लेने आ रहे हैं, तो आज तैयारी तुरी कर रहे हैं, उन्हें पहले ही वो डिमांड कर दी थी हमें कि मैं ब्रेकफास्ट में तंदूरी कुलचे खाऊंगा और स्नैक्स में मैं खाऊंगा चाम, वो भी होममेड चाम, तो इसलिए हमें बनानी तो पड़ेगी, क्योंकि जमाई को नाराज करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता हम इंडियंस को खास करके, इसलिए अब उनकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बेटी का सवाल है, इसलिए आज हम बनाएंगे घर में ही होममेड चाम। फिर कुछ मम्मा से पूछते हैं कि वो कैसे क्या करेंगे, जमाई वधी है, इसी के साथ मैंने, मुझे पता था कि मैंने चाम बनानी है, इसलिए मैंने रात को ही ना सोयाबीन की दाल को भिगो दिया, तो उसको आपको अच्छे से 8 आवर्स के लिए भिगोना पड़ता है, उसके बाद हम न्यूट्री लेंगे, उसको भी 10 to 20 minutes बॉइल करेंगे, फिर उस दोनों को मैश करेंगे। तो यस गाइस, हमें सोयाबीन चाम के लिए क्या क्या चाहिए, 1 कप ऑफ सोयाबीन दाल जो मैंने रात को भिगो के रखी हुई थी, और 1 कप ऑफ बॉइल्ड न्यूट्री, इन दोनों को पहले हम अच्छे से मैश करेंगे मिक्सर ग्राइंडर में, जब इनकी प्रॉपर प्योर पेस्ट बन जाएगी उसके बाद हम इसको मैदा डाल के नीट करेंगे। मेरी दाल की पेस्ट हमें रेडी हो गई है, पानी डाल के हमने अच्छे से की थी, न्यूट्री की पेस्ट अच्छे से बन गई है, हमारा कुछ बैटर ऐसे बन के तैयार हो गया। अब इसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे मिक्स करके, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे, बहुत सॉफ्ट, बहुत हार्ड भी होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट भी होनी चाहिए नॉर्मल। अभी हम इसको आटे की तरह गूंथ रहे हैं मैदा डाल के, थोड़ा सा फ्रिज में रख के उसके बाद इसको बेलेंगे, रखना है बहुत मोटा भी बहुत पतला भी। एक लेयर होगी ना, इसको हम इसको सेकंड लेयर से भी कवर करेंगे, हम उसको बॉईल करेंगे। अभी हमारी चाम कुछ रेडी हो गई है, इसको कुछ ऐसे बन गई है, इसको हमने थोड़ा सा मैदा लगा के रेडी कर लिया, अब इनको हम डालेंगे पानी में उबलने के लिए, अब इनको हम निकाल के ना
ठंडे पानी में रख देंगे, ठंडे पानी में डाले जाएंगे और इसको 5-6 मिनट्स के लिए ठंडे पानी में रहने देना। वो निकाल के ठंडे पानी से 5-6 मिनट्स के बाद फ्रीजर में फ्रीज कर सकते। गाइस आपको पता है सामान लेने के बाद उसको करना होता है अच्छे से सैनिटाइज, तो अभी भला साहब बनाएंगे चांद। 1 कटोरी दही और तंदूरी चाम, 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला, चाट मसाला, 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर, किचन किंग मसाला, पिंच ऑफ ऑरेंज कलर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। येलो येलो रेडी फैल हो गई है, थोड़ा रेड कलर डाल दीजिए, उससे थोड़ा अच्छा कलर आ जाएगा तंदूरी चाम जैसे। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब हमने चाम्प ऐड करनी है स्लो स्लो, प्रॉपर अच्छे से मैरिनेट हो गया। इसको आपने अच्छे से कोटिंग करनी है, देखिए जैसे मैंने की। इसको अब हमने 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देना, इससे क्या होगा प्रॉपर जो फ्लेवर है मसालों का वो उसके अंदर जाएगा। 1 hour later इसको अब चाम को हम ऐसे लगाएंगे, दो धीमी आंच पर पकाएंगे 5-6 मिनट तक। चाप निकाल के उसके ऊपर डाले मलाई, डाले चाट मसाला और बटर डाल के इसको कहते अच्छे से मिक्स। ये वाजने ने साड़ा भैया चलिए की कर जाना कितने है खेडिये बैट बॉल एक उड़ी सारी का लगता नीत माड़ी ए बोल दे बड़े लग गया पेचा, पेचा लग गया है। ओ ओए ये सिग्मा दे शिकायत हमने कर दी है बंदे की, इन्हें लड़ाई करा देनी है। Guys, we reached at home. ਤੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਕਰੇਚ, ਤੇ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਕਰੇਚ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਕਰੇਚ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਕਰੇਚ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਨੀ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ असल च आया कोकरे च मारनी
तो गाइस आज के लिए हम इतना रखते हैं। तो वीडियो पसंद आई है स्मैश द लाइक बटन, लाइक भी किया करो, डिसलाइक से ज्यादा व्यू आते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन, नहीं आई है तो डिसलाइक। अगर डिसलाइक किया तो उसका कमेंट करके बताओ क्यों किया। तो मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आस्था, बाय बाय, टेक केयर।